हेलो हाय नमस्ते, मैं हूँ वृषाली। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ मेरी एक सेल्फ मेड नई कविता, जो कि है मेरे अपनों के बारे में। जी हाँ, मेरे अपने। इसमें मैं सबको इंक्लूड करना चाहती हूँ, सभी लोग, मेरे फ्रेंड्स, रिश्तेदार, सब मेरे अपने हैं। उन पे मैंने सोचा कुछ लिखा जाए, कुछ उनके लिए बनाया जाए, इसलिए मैंने ये पोएम बनाई है। इट्स एब्सोल्युटली डेडिकेटेड टू दोज पीपल हु रियली रिलेट्स टू मी। फ्रेंड्स, उसके पहले मैं आपके साथ एक चीज़ पे बात करना चाहती हूँ। मैं मेरे इस चैनल पे आपके साथ जो भी वीडियोस शेयर कर रही हूँ, अगर आपको वो पसंद आ रहे हैं, आप मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हो सकता है। फ्रेंड्स, मैं ये वीडियोस बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ, बहुत दिल से काम कर रही हूँ। आई नो मैं ये अपने लिए कर रही हूँ, मुझे इस काम में बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत खुशी मिल रही है, और मैं चाहती हूँ मेरी ये खुशी मैं आपके साथ भी बांटूँ। इसलिए मैं और अच्छा काम करना चाहती हूँ। और कहते हैं ना, इंसान को अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहन चाहिए होता है, इंस्पिरेशन चाहिए होता है। मैं आपसे बदले में सिर्फ इतना मांगती हूँ, मुझे लाइक दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, आपके साथ मैं अभी शेयर करती हूँ मेरी कविता, जिसका नाम मैं रखना चाहती हूँ मेरे अपने। मेरे अपने, क्या बताऊँ मैं तुम्हें उनके बारे में। मेरे अपने जो मुझे साथ देते हैं, मेरे अपने जो मेरे गमों में मेरे साथ रोते हैं, ये मेरे अपने जो मुझे ताकत देते हैं जीने के लिए, ये मेरे अपने जो मुझे ताकत देते हैं जीने के लिए, जो मुझे हिम्मत देते हैं इस दुनिया की कड़वाहट नफ़रत पीने के लिए, मेरे अपने जो मुझे ताकत देते हैं जीने के लिए, जो मुझे हिम्मत देते हैं इस दुनिया की नफ़रत कड़वाहट पीने के लिए। मेरी ज़िंदगी हमेशा इन्हीं की अमानत रहेगी, मेरी ज़िंदगी हमेशा इन्हीं की अमानत रहेगी, जब तक वो मेरे साथ है मुझ में ज़िंदा इंसानियत रहेगी, जब तक वो मेरे साथ है मुझ में ज़िंदा इंसानियत रहेगी। मैंने नहीं देखा उस भगवान को, मैंने नहीं देखा उस भगवान को, पर हाँ मुझे पता है कि ये उन्हीं के फरिश्ते हैं, हाँ मुझे पता है ये उन्हीं के फरिश्ते हैं, जो मुझसे मिले तो इस जहाँ में हैं, पर उनके और मेरे तो कई जन्मों के रिश्ते हैं। जो मुझसे मिले तो इस जहाँ में हैं, पर उनके और मेरे कई जन्मों के रिश्ते हैं। हम दिखते तो अलग हैं, पर एक दिल एक जान है, हम दिखते तो अलग हैं पर एक दिल एक जान है। मैं नहीं पहचानती गैरों को, मेरी तो बस यही दुनिया यही जहान है। मैं नहीं पहचानती गैरों को, मेरी तो बस यही दुनिया यही जहान है। सुबह आंखें खुलती है तो मेरे अपनों के लिए ही दुआएं मांगती हूँ, सुबह आंख खुलती है तो मैं इन अपनों के लिए ही दुआएं मांगती हूँ, उन्हें सलामत रखो मेरे साथ रखो, बस यही कहती रहती हूँ, उन्हें सलामत रखो मेरे साथ रखो, यही कहती रहती हूँ। मेरे अपने मेरी ज़िंदगी की वो ताकत है, जो मुझे तूफ़ानों में आंधियों में गिरने नहीं देते। मेरे अपने मेरी ज़िंदगी की वो ताकत है, जो मुझे तूफ़ानों में आंधियों में गिरने नहीं देते। जब भी खुशियों का मौसम होता है वो मेरे साथ होके कभी मुझे अकेला महसूस होना नहीं देते। जब भी खुशियों का मौसम होता है वो मेरे साथ होके मुझे अकेला महसूस होने नहीं देते। मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो ये फरिश्ते मेरे साथ हैं, मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो ये फरिश्ते मेरे साथ हैं, उन्हीं की बदौलत तो झगमगाते मेरे दिन और रात है, उन्हीं की बदौलत तो झगमगाते मेरे दिन और रात है। इन्होंने मुझसे नाता निभाया, मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझसे नाता निभाया, मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। मैं ज़िंदगी में कुछ भी पा लूँ, कुछ भी हासिल कर लूँ, पर हमेशा इनकी कर्ज़दार हूँ।
मैं जिंदगी में कुछ भी पा लूँ, कुछ भी हासिल कर लूँ, पर मैं हमेशा इनकी कर्जदार हूँ। हे ईश्वर, मैं तुमसे हमेशा शिकायतें करती रहती थी कि तुम मुझे इतना दुख, इतना दर्द क्यों देते हो। हे ईश्वर, मैं हमेशा तुमसे शिकायतें करती रहती थी कि तुम मुझे इतना दुख, इतना दर्द क्यों देते हो। पर जब मैं इन अपनों से मिलती हूँ, वो मेरा साथ देते हैं, मेरे गमों को बांटते हैं, तो उनमें मुझे तुम ही दिखाई देते हो। जब ये अपने मेरे साथ होते हैं, मेरा साथ देते हैं, मेरे दुखों को बांटते हैं, तो उनमें मुझे तुम ही दिखाई देते हो। मेरी रोज रोज की शिकायतें सुनकर भगवान ने भी था ये ठान लिया। मेरी रोज रोज की शिकायतें सुनकर भगवान ने भी था ये ठान लिया। पता नहीं था मुझे कि उसने ये अपने मुझे देख के अपना फर्ज था खूब निभा लिया। पता नहीं था मुझे ये कि उसने ये अपने मुझे देख के अपना फर्ज था खूब निभाया। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो आपको क्या करना है? एक लाइक करना है। लाइक के साथ अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करना है। फ्रेंड्स, मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा है, मेरा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, तो मेरे अपकमिंग आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में जल्द से जल्द आ जाए, उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी प्रेस करना होगा ताकि आपको नोटिफिकेशन की रिंग बजेगी और आपको मेरा वीडियो आया है ये तुरंत पता चलेगा। अदरवाइज अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो मैं जब भी वीडियो अपलोड करती हूँ आपको पता भी नहीं चलेगा मेरा वीडियोस कब अपलोड हो गया और कब पुराना हो गया। सो बी विथ मी, सब्सक्राइब माय चैनल, मुझे इंस्पायर करते रहिए, लाइक करते रहिए, और मैं आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस बना के प्रेजेंट करती रहूँगी।